प्रियंका और सुम्बुल के बीच लगी बड़ी रेस का आखिरकार नतीजा सामने आ गया है। जी हाँ, आखिर कौन बना है विजेता, ये आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं वीवा बोल। आपको बताना चाहूंगी कि कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक रेस लगी है बीबी क्वीन। जी हाँ, आखिरकार बीबी क्वीन कौन बनेगा, सुम्बुल या फिर प्रियंका। और दोनों के ही जो फैंस हैं वो जोरों शोरों से लग गए अपने अपने फेवरेट को जिताने के लिए। तो जब मैंने आपको बताया था कि कल के दिन जो पल्ला जो भारी था वो था प्रियंका का। प्रियंका को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स मिल रहे थे फॉर बीबी क्वीन, और पीछे नज़र आई सुम्बुल। और अब आपको बताना चाहूंगी कि उसका नतीजा भी सामने आ चुका है। और नतीजा बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रियंका और सुम्बुल, जी हाँ, ये दोनों ही हैं वो कंटेस्टेंट जो कि लगातार बीबी क्वीन बनती आ रही हैं। कभी प्रियंका अभी भी क्वीन बनती है तो कभी सुम्बुल को बीबी क्वीन बनती है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब आपको बता दूं कि कलर्स ने अपना जो रिजल्ट है वो बता दिया है और उसकी विजेता बनी है प्रियंका। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ताज जो है वो प्रियंका के सर पर सज चुका है एक बार फिर से, और वो बन चुके हैं इस हफ्ते की बीबी क्वीन। और ये पोस्ट करते वक्त कैप्शन डाला, बधाई हो, बधाई, यू चूज प्रियंका एज द बीबी 16 क्वीन ऑफ द वीक वंस अगेन। तो और लोग भी कह रहे हैं कि एग्रीड, शी इज बीबी क्वीन, प्रियंका बीबी क्वीन, प्रियंका प्रियंका, हर जगह प्रियंका ही का नाम आ रहा है। और कोई सुम्बुल का भी नाम ले रहा है और कोई कह रहा है क्वीन फॉर अ रीजन एंड हियर आवर परिधि इज बैक आवर क्वीन फाइनली, यू गाइस स्टार्टेड प्लेइंग फेयर गेम, कलर्स टीवी को बोल रहे हैं। और फिर आई एम सो हैप्पी, सब खुश है इस रिजल्ट से, फैंस काफ़ी खुश हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप इस रिजल्ट से कितने खुश हैं और कितना फेयर लग रहा है आपको या फिर अनफेयर, जो भी आप सबकी राय है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा पूल।